हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मोदी की बम्पर जीत देखते ही इस्तीफा देने नीतीश कुमार पहुंच गए दिल्ली। बिहार में भारी उलटफेर, एग्जिट पोल। देखें क्या होता है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अनुपम हूँ। इस वक्त बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिहार में फिर से एक नया सियासी भूचाल आने वाला है और इस भूचाल के संकेत पिछले 24 घंटे में कई बार मिल चुके हैं और कई इसकी कड़ियां इस वक्त दिल्ली तक जुड़ रही हैं। क्या है पूरा मामला, ये समझने के लिए मेरे सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, क्या खबर आ रही है? क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार देंगे क्या? पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पे एक खबर तैर रही थी कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है और बड़ा होने वाला है ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने अपना वारिस तय कर लिया है। अब जो आज खबर है वो ये है कि नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं, 2 दिन दिल्ली में रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात होनी है। आज हुई है, हुई भी है कुछ नेताओं से मुलाकात। हाँ, और अगले 2 दिन तक ये मिलेंगे। उसके बाद खबर ये है कि पता नहीं दिल्ली आने से पहले वो राज्यपाल से मिले थे पटना में, क्यों मिले थे ये नहीं पता, लेकिन जब जब नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर दिल्ली आते हैं तो कुछ बड़ा होता है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि चर्चा ये हो रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी जो भावी सरकार बनने वाली है एनडीए की, उसमें अपनी भूमिका की तलाश करने के लिए दिल्ली आई है। वो बीजेपी के नेताओं से और एनडीए के नेताओं से बात करेगी। रिजल्ट तो आ जाए। 2 मंत्री पद मांगे हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक स्टेट मिनिस्टर, ये चर्चा है सूत्रों के हवाले से। और उसमें ये कहा गया है कि नीतीश कुमार स्वयं केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। अगर नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री बनेंगे तो बिहार को कौन संभालेगा और बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? जेडीयू से होगा या बीजेपी से होगा? संख्या बल के लिहाज से बीजेपी बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार छोटी पार्टी है। इस लोकसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि जेडीयू कमजोर कड़ी साबित हुई है। नीतीश कुमार का पहले जैसा क्रेज नहीं है। जहां जहां जेडीयू का कैंडिडेट है वहां वहां हार की संभावनाएं ज्यादा है। बीजेपी का कैंडिडेट हो, लोजपा का हो, वो तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो भी एग्जिट पोल्स में जो लूज की हुई सीटें बता रहे हैं वो जेडीयू के वहां पे खड़े थे। तो क्या नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम हो रही है? उन पर उम्र का असर है? क्या ये चर्चाओं में कुछ सच्चाई है कि नीतीश कुमार अपना वारिस तय कर चुके हैं? वारिस बीजेपी का है, जेडीयू का है। एक और वारिस भी तय होता है जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है। डायनेस्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हलचल मचती है। के पाठक साहब लंबी छुट्टी पे चले गए 2 दिन पहले, नीतीश कुमार के फेवरेट ऑफिसर। पूरा तमाम उनका क्रिटिसाइज होता रहा कि टीचरों के साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 5 बजे बुला दिए, अचानक उन्हें लंबी छुट्टी पे भेज दिया गया। आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीजन है, लेकिन के पाठक का अचानक लाइमलाइट से दूर होना, ये क्या चल रहा है? नीतीश कुमार का दिल्ली आना, चुनाव के बीच ये खबरें कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, ये खबर आना चाहिए। नीतीश ने अपना वारिस तय कर लिया है और वो बिहार की तो बुरी हालत है। वो जो कम्बिनेशन बनाने की कोशिश नीतीश कुमार पिछले एक दशक से कर रहे थे कि दलित मुस्लिम इस तरह का कोई कम्बिनेशन बने ना, तो हमारा जो अदर बैकवर्ड कास्ट है नीतीश कुमार का, वो दलित और मुस्लिम, अगर ये फॉर्मेटेबल कम्बिनेशन बन जाए तो फिर तो बीजेपी का है ही अपना ग्रुप, तो ये हम ये कर लेंगे। तो बहुत कुछ चल रहा है अभी। देखिए, अभी जहां तक मेरी समझ है कि इस वक्त जितने भी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्शन रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। वो अपने अपने स्टेट में, अपने अपने प्रदेश में रुके हुए हैं, क्योंकि उसके बाद पहले उनकी अपनी पार्टी की मीटिंग होती है, फिर उनका मुखिया दिल्ली आएगा। एनडीए की अभी कोई मीटिंग बुलाई नहीं गई है, बिल्कुल ऑफिशियली कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई है, इसलिए नीतीश कुमार का अचानक आना। और सबसे बड़ी बात जो खबर आ रही है कि ये उनके सरकारी कार्यक्रम पहले से तय नहीं था, अचानक ये अचानक कार्यक्रम बना है और ये प्रोग्राम रातों रात बना है। अचानक राज्यपाल से ही मिले हाँ और अचानक दिल्ली भी आए हैं, आने के बाद क्या गपले होने। बिल्कुल, तो ये इसलिए इस पे और ज्यादा चर्चा होने लगी है। अब एक और, 1 साल है बिहार में विधानसभा चुनाव होने, 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। आज का जो ग्राफ है
नीतीश कुमार अल्टी पल्टी मारे इसकी वजह से, या फिर एक फटिक फैक्टर है कंटिन्यू नीतीश कुमार नीतीश कुमार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। जो रणनीतिकार है एनडीए के, उनको लगता है कि अगर नीतीश का चेहरा सामने होगा और सामने तेजस्वी यादव होगा, एक फ्रेश फेस है, तो हो सकता है नीतीश मात खा जाए। तो कोई नया फ्रेश चेहरा, ऐसा चेहरा जो प्रॉमिसिंग हो, जो फ्यूचर का इतिहास जगाता हो, अगर उसे लाकर तेजस्वी के सामने रखा जाए तो शायद कुछ हो सकता है। लेकिन वो कौन होगा? वो बीजेपी से होगा, जेडीयू से होगा। यही तो आपने कहा कि दलित और मुस्लिम फैक्टर, नीतीश कुमार इस प्रयोग पर एक बार मार खा चुके हैं जो जीतन राम मांझी के साथ उन्होंने। वो प्रयोग सही था, जीतन राम मांझी जो है उन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, आदमी गलत चुन लिया। अब आदमी गलत यानी उन्होंने तो बहुत कुछ सोच समझ के कैलकुलेटिव रिस्क लिया था, लेकिन उन्हें लगता था कि जीतन राम मांझी उस रास्ते पे चलेंगे जिसमें नीतीश कुमार कहेंगे, लेकिन जीतन राम मांझी अपना दिमाग लगाने लगे। मैंने कहा ना, वो एक और है, एक शख्स है शाहनवाज हुसैन, उनके बारे में चर्चा है कि वो बहुत दिनों से थोड़ा सा राजनीतिक बियाबान में भटक रहे हैं। उनके गुट जो ग्रुप है उनके आसपास के लोगों में पता नहीं क्यों हलचल है, मुझे नहीं पता कि क्यों हलचल है। शाहनवाज हुसैन फिर से लाइमलाइट में आने वाले हैं, किस भूमिका में आने वाले हैं ये नहीं पता, लेकिन मैंने दलित मुस्लिम जो कम्बिनेशन बोला है और अगर उससे रिलेशन है इसका, तो फिर बड़ी खबर निकलेगी। अभी एक और इस लोकसभा चुनाव में खेल हुआ है, अगर आपको पता हो तो, क्या भाई, उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो खेल हुआ था, कुशवाहा वोटर्स, एक आरोप ये भी लग रहा है सम्राट चौधरी के ऊपर कि वो किसी दूसरे कुशवाहा नेता को, मतलब अपने समाज के नेता को, अपने बराबर खड़ा होता नहीं देख रहे हैं। और लालू यादव इस बात को समझ गए थे, उन्होंने अपने तरफ जो तो, आरजेडी को बहुत कुशवाहा कैंडिडेट दिए हैं। तो क्या इस, ये जो पूरा समीकरण बन रहा है, इसमें सम्राट चौधरी लीड ले रहे हैं क्या? मुझे लगता है आपने शहनवाज हुसैन का नाम लिया, और अभी तक का जो बीजेपी का ट्रेंड रहा है उसमें कभी भी किसी मुस्लिम चेहरे को अचानक रातों रात कोई बड़ा पद मिल गया हो ऐसा दिखा नहीं है। या एनडीए का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दर्द भी है कि किया तो सबके लिए, लेकिन बदनामी ये कि मुस्लिम के खिलाफ है, वो खिलाफ है। यही कह रहे ना, किया तो पूरे देश के लिए पर वापस में मिलता गया मुस्लिम के खिलाफ है, खिलाफ है। अब ये भैया नीतीश कुमार, लोग बोल रहे थे नीतीश कुमार जो है हो सकता है बिहार में हार जाए, अच्छे ज्यादा ना जीते सीटें, उससे बीजेपी का पता एनडीए का लॉस होगा वो तो। और वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जैसे कह रहे थे कि बीजेपी ने इनके साथ इसीलिए मिले थे कि जिससे कुछ आगे जाके नंबर्स बढ़े, बट और किसी ने ये भी कहा था कि अगर ये ज्वाइन भी नहीं होते नीतीश कुमार के साथ तब भी उतने ही बीजेपी जीतना जितना अब जीतेगा, मतलब नीतीश कुमार के मिलने के साथ भी कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, इट इज़ लॉस ही हुआ है। सो ये प्रॉब्लम सभी लोग फोरकास्ट करें कि बिहार में कम हो जाएंगे नंबर्स बिकॉज नीतीश कुमार, तो मेरे ख्याल से देखना चाहिए था नीतीश कुमार से नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। और नीतीश कुमार जो रिज़ाइन कर रहे हैं वो से रिज़ाइन कर रहे हैं कि उनको कैबिनेट में जगह मिल जाए, तो हर बंदा अपना सेटिंग कर रहा है कि मैं वहाँ से रिज़ाइन कर दूंगा कैबिनेट में घुस जाऊंगा, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। और जैसे कह रहे हैं पलटी दोबारा खाएंगे, मुझे पता नहीं पलटी वार के बोल देंगे सपोर्ट नहीं करता वापस चले जाएंगे, क्या होने वाला आई डू नॉट नो, ये तो टाइम बताएगा। पर खास इतना पलटी करता है उसके साथ नहीं करना चाहिए, तो मैं हूँ, मैं तो कभी नहीं करूँगी ऐसे इंसान के साथ, बट इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं, पलटी कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, मगर उनको बीजेपी को देखना पड़ेगा कि अगर पिनलाइज करने के लिए अगर कोई ऐसा करे बार बार, तो उसको पिनलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ अपने पास रखना चाहिए कि ये देखो पूरा डुबा देंगे भैया अगर तो ऐसे जंप करेगा तो, और नहीं तो क्या। और ये कोई प्लान नहीं था, एकदम से आए अपना और सब मोदी जी से मिले मिलना है खास, और उसके बाद बाकियों से भी मिलना है, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है भैया, बताओ आप लोग भी ऐसे बिलीव नहीं करें जो बंदा इधर बार बार पार्टी तो नहीं कर। और मेरे को तो अभी तक वो याद है जो इतना गंदा कोई स्टेटमेंट सा कुछ बोला था, मेरे को तो तब से ही हो गया। और तेजस्वी यादव भी इतना कोई महान आदमी तो और भी, तो बिहार आने के बाद दुख की बात ये है कि सारे कैंडिडेट अच्छा नहीं है उनका, दोनों इतने गंदे हैं, प्रॉब्लम अभी तो बिहार की कोई तरक्की नहीं हो रही। बिहार के लोगों को कहना चाहिए खड़े हो इलेक्शंस में और कुछ अपने देश का कोई ढंग का कैंडिडेट तो आए जो कुछ सुधार तो करे बिहार का। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, अगर कुछ पता हो इनसाइड कुछ पता हो कि क्या चल रहा है तो जरूर शेयर करना। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।